स्थानिक गुन्हे शाखा की कार्रवाई में 10 लाख की रिश्वत मांगने वाले माहिती अधिकारी कार्यकर्ता को रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार किया गया। महावितरण के अभियंता की ओर बोगस बिल पेश करने संबंध की शिकायत वरिष्ठों की ओर न करने के लिए और इससे पूर्व की शिकायत वापिस लेने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाले माहिती अधिकार कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय गुन्हे शाखा के पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े इनके नेतृत्व के पथक ने चंद्रपुर में यह कार्रवाई की। सौरभ विजय बुरेवार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम है। गढ़चांदूर यहाँ के महावितरण कार्यालय में उप कार्यकारी अभियंता अतुल इंदुरकर कार्यरत है। बोगस बिल पेश करने मामले में शिकायत वरिष्ठों की ओर न करने के लिए और इससे पूर्व की शिकायत वापिस लेने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्ता की ओर से मांग की जा रही थी, लेकिन यह राशि देने की इच्छा न होने से इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक की ओर की। पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय गुना शाखा के पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े इनकी ओर जांच दी। खाड़े ने पुलिस उप निरीक्षक अतुल कावड़े इनके नेतृत्व में पथक तैयार करके भेजा। माहिती अधिकारी कार्यकर्ता ने शिकायतकर्ता की ओर मिलकर रिश्वत की मांग करने का निष्पन्न होने के बाद रोमा बार बेबी लॉन चंद्रपुर में मिलने के लिए बताया। इस समय आखिरकार 5 लाख रुपए की मांग का टोकन के तौर पर 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में जानकारी स्थानीय गुना शाखा के पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े ने दी। एमएससीबी चे गढ़चांदूर विभागाचे एक उप अभियंता आहेत। काही दिवसापासून एक सौरभ गुरेवार नावाचा एक आरोपी त्या उप अभियंत्यांना काही बोगस तू बिल काढलेले आहेस आणि त्याच्याबद्दल तो त्यांना धमकी देत होता आणि खंडणीची मागणी करत होता, परंतु तो उप अभियंता सांगत होता की मी असे काही बोगस बिल काढलेली नाही आहेत। त्यानंतर हा जो गुरेवार आहे त्याने आरटीआय मार्फत त्यांच्याकडून माहिती मागवली आणि त्यानंतर त्या आरटीआय मार्फत माहिती काढून तुझी वरिष्ठाकडे तक्रार करील, तुला मी डिपार्टमेंटमध्ये राहू देणार नाही अशी वारंवार धमकी देऊन त्याला घाबरत होता। नाविलाजाने त्याने शेवटी माननीय एस पी सरांकडे त्याने तक्रार दिली। माननीय एस पी सरांनी सदर घटनेबद्दल आम्हाला एक वर्कआउट करायचे आदेश दिले। आम्ही तशी एक टीम गठीत केली, पी एस आय कावळेने त्याच्यावरती वर्कआउट केलं, त्याची शहनिशा केली आणि आम्हाला खात्री झाली की तो 10 लाख रुपयाची मागणी करत आहे। काल आम्ही संध्याकाळच्या वेळेस बेबी लॉनच्या जवळ त्याच्यावरती सापळा रचला। फिर्यादी त्या ठिकाणी पैसे घेऊन आला आणि हा पैसे घेत असताना आम्ही रंगेहात पकडलेला आहे। पैसे आणि त्याला ताब्यात घेऊन आम्ही रामनगर पोलीस स्टेशनला त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून पुढील तपास रामनगर पोलीस स्टेशन करीत आहे।